तो आप परगनिया का काम करते हैं? हाँ, परगनिया काम करते हैं। पाठ पूजा करने वाला पठारी है जो लोग देवी देवता को गुणवाना समाज का जो इतिहास है उसको गाथा गाने वाले। और गौण लोग जो हैं वो पंडवानी भी गाते थे पहले, कहते हैं पंडवानी नहीं गुणवानी की है, गुण का पंडवानी कथा है पांडव का। तो पांडव की कथा का कौरव पांडव की कोई आपकी कथा अलग है सर? वो क्या कथा है? वो पंडवानी वाला कथा है ना, भीम है, नकुल है, सहदेव अर्जुन है, माता कुंती है, सहोद्रा है, वीर अभिमन्यु है। तो वो आप लोग कभी नहीं गाते? हाँ, वो नहीं गाते सर, कहाँ गाएंगे? जब गोड़ घर गए हैं तो गोड़ का देवता पूजा करेंगे, गोड़ का नाम का इतिहास सुनाएंगे, हम दूसरे इतिहास के उसमें बोले भाई। लेकिन ऐसे कहते हैं कि जो भीम है तो वो तो आदिवासियों के देवता है, जब बरसात नहीं होती है कहते हैं कि भीम की पूजा करते हैं। नहीं नहीं, वो भीम पूजा अलग होती सर। वो क्या होती है? वो अलग होता है, पांडव जैसे भीम पूजा करते हैं ना उसे पूजा करते सर। और हमारे गोंड के इतिहास में ना पूरा जो हम कथा बता रहे हैं डिटेल में, जितना भी देवता धामी है, गढ़ है, हैं, नाम बता रहे हैं कैसा क्या हुआ, कहां पर क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं सर। कि सोई न उठ के दीना बुढ़ना दे, सत्यनारायण के बन फला के जहाँ बुढ़ा दे पकड़े, सोई न उठ के चल गंगा स्नान, दर्शन मुझको दीजिए दिन बंधु बुढ़ा दे भगवान। अच्छा, मैंने मंडला में आपके जैसे ये पठारी है वहां पे, उसका नाम है बालाराम, हां वो तो पंडवानी भी गाते हैं सर। पंडवानी भी गाते हैं, जो पंडवानी गाथा गाते हैं ना, पंडवानी भी गाथा गाते हैं। हम पंडवानी कथा चाहिए तो पंडवानी कथा गाते हैं, अब हम लोग पंडवानी नहीं गाए सर। जब गोंड घर में जा रहे हो, जब गोंड का पुजारी हो तो गोंड ही की देवता के नाम का गाओ।